हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल टैकल टॉक इस वीडियो में आज हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एक्चुअली मैं मैं बीएड कर रही हूँ और जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा और जितने भी जो हैं स्टूडेंट्स हैं चाहे फिर वो बी की तैयारी कर रहे हो सी की कर रहे हो टेट की कर रहे हो या स्कूल के ही बच्चे क्यों ना हो उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फॉर्मेट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और ये टॉपिक हमेशा हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो टीचर से रिलेटेड होती है उसमें इंक्लूड किया जाता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे लगेगी क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ तो ये आर राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्या है इसके तहत देश के हर बच्चे को कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए और क्यों ना मिले शिक्षा पर देश का हर बच्चे का अधिकार होना चाहिए गोपाल कृष्ण गोखले ने इम्पेर लेजिस्लेटिव में 18 मार्च 1910 में इस एक्ट से रिलेटेड कुछ बातें कही थी क्या है वो मैं बताती हूँ आपको उन्होंने कहा था कि मैं राज्य के सामने अपने एक विचार रखना चाहता हूं कि आर टी ई राइट टू एजुकेशन जैसी पॉलिसी हमारे देश में भी लेकर आनी चाहिए क्योंकि अन्य देशों में तो ये पहले से ही लागू है और ये जो आर टी ई एक्ट है ये चलता आ रहा है इस एक्ट के तहत क्या होगा हमारे देश में लाखों बच्चों का कल्याण होगा ऐसे बच्चे जो कि सालों से ही शिक्षा के प्रभाव में आना चाहते हैं तो मैं नमन करती हूँ उनके इन शब्दों का जिन्होंने लाखों बच्चों के कल्याण के बारे में सोचा और ये तो हम सब जानते हैं कि बच्चों का कल्याण शिक्षा से ही हो सकता है और उसी के साथ साथ अब मैं आपको कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहती हूँ कि इस एक्ट्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया ये कब लागू हुआ और ये कैसे इनेक्टेड और फोर्स हुआ राइट टू एजुकेशन इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये जो मैं कह सकती हूँ कि राइट टू एजुकेशन एक्ट इनेक्ट हुआ 4 अगस्त 2009 में और ये इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन मतलब फोर्स में आया 1 अप्रैल 2010 इस राइट टू एजुकेशन के तहत हर बच्चे का अधिकार होगा शिक्षा पाने का जो कि 6 टू 14 इयर्स के हैं और जो एजुकेशन सरकार देगी वो फ्री एंड कंपलसरी है अब मैं आपको बता दूँ फ्री एंड कंपलसरी का मतलब बताने से पहले एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपका जानना जरूरी है वो मैं आपको बता दूँ कि ये सिक्स टू फोर्टीन इयर्स के वो बच्चे हैं जो कि नॉर्मल है ठीक है और अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा है तो उनके लिए एज है सिक्स टू एट्टीन ईयर्स जो डिसेबल्ड कोई बच्चा होगा तो उसके लिए एज हो जाएगी सिक्स टू एटीन ईयर्स की अब मैं आपको बताती हूं मतलब होता है अनिवार्य मतलब हर बच्चे का स्कूल जाना अनिवार्य होगा और फ्री मतलब वो निशुल्क, मतलब किसी भी तरीके की फीस उसको बच्चे को नहीं देनी होगी स्कूल में ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये उन बच्चों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया जो कि पारिवारिक समस्याएं या फिर फिनेंशियल प्रॉब्लम्स या अन्य और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से स्कूल से वंचित रहते हैं तो उन बच्चों को स्कूल में लाने के लिए ये एक्ट पास किया गया था और राइट टू एडुकेशन एक्ट के तहत बच्चे को शिक्षा पाने में किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो इसीलिए उन स्कूल्स का खर्चा केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर उठाती है आर के तहत मतलब राइट टू एजुकेशन के तहत पी मतलब पोपिल टीचर रेशियो इस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखा गया अब आप सोचे होंगे पी क्या है ये एक रेशियो है पोपिल टीचर रेशियो मतलब कि कितने बच्चे पे कितने टीचर्स दिए जाएंगे इस तरीके के और उसी के साथ साथ स्कूल बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स टीचर्स वर्किंग आवर और स्कूल के वर्किंग डेस्क भी फिक्स किए गए थे इस आर टी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन स्कूल के लिए पास किए गए और मेरा मानना है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन हर टीचर्स बच्चे माँ बाप को पता होना चाहिए ताकि वो इन जो जानकारियाँ हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका लाभ उठा सकें क्या है वो रूल्स रेगुलेशन जानते हैं नंबर वन बच्चों को हम किसी भी तरीके से फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते मतलब शारीरिक कष्ट और मैं तो पर्सनली ये मानती हूँ कि बच्चों को कभी भी डंडे के बल से नहीं पढ़ाया जाता बल्कि दिमाग के बल से पढ़ाया जाता है और जो बच्चे दिमाग के बल से पढ़ते हैं या पढ़ाए जाते हैं उनका फ्यूचर काफी ब्राइट होता है नंबर टू मेंटल हरिशमेंट शुड नॉट बी गिवन किसी भी प्रकार का जो मानसिक तनाव है या प्रेशर है बच्चों को नहीं देना होता है क्योंकि अगर बच्चे मेंटली स्ट्रेस्ड होंगे तो उनकी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन नहीं जाएगा इसीलिए यह स्ट्रिक्टी आर टी के तहत बोला गया था कि किसी भी बच्चे को मानसिक तनाव नहीं दे सकते हैं टीचर्स नंबर थ्री टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट सेट अप देयर प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं वो अपने प्राइवेट ट्यूशन के सेंटर्स नहीं खोल सकते हैं नंबर फोर स्कूल रिकॉग्नाइजेशन शुड बी मैंडेटरी स्कूल जो है वो किसी मान्यता के आधार पर चलना होगा और उस स्कूल के टीचर्स जो होंगे वो क्वालिफाइड होने चाहिए टीचर्स की ट्रेनिंग उनको होनी चाहिए नंबर फाइव कैपिटेशन फी स्कूल में किसी भी प्रकार के बच्चों को फीस नहीं देनी होगी वो बिल्कुल निःशुल्क पढ़ सकते हैं तो राइट टू एजुकेशन आपको समझ में आ गया होगा आई होप तो इसमें एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट टू एजुकेशन के तहत जो कि मैं आपको समझा दूं आर टी में क्लियरली मतलब बोला गया था कि हमें बच्चों को क्या करना होगा एक सेटिस्फाइड मैथड से क्या करना होगा पढ़ाना होगा उसी के साथ साथ अटेंडेंस मतलब इनरोलमेंट का भी ध्यान रखना होगा मतलब जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके हम बच्चों को स्कूल लेकर आए और उन्हें शिक्षा प्रदान करें तो यही मेन ऑब्जेक्टिव था आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट का तो आपको ये क्लियर हो गया होगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तब तक के लिए सलाम नमस्ते फिर मिलेंगे हंसते हंसते थैंक यू